साथियों नमस्कार। आज हम जिस प्लॉट पे आए हैं, इनका प्लॉट ही एक मिराकल है। क्योंकि मिराकल इसलिए है क्योंकि मिराकल के जैसा इनके पास फ्रूट है, मतलब अलौकिक जो फ्रूट है जो ज़्यादातर मिलता नहीं है, ऐसा वैरायटी है सर के पास। एवोकाडो बहुत कम जगह पर मिलता है। दूसरा वीडियो पे आपने कहीं फोटो देखा होगा, बट क्या है ना, सर के पास ऑलरेडी प्लांट है और 30 वैरायटी है एवोकाडो में, और फ्रूट भी बहुत अच्छे अच्छे साइज का है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट ही है, फ्रूट भी अच्छा है, और इसमें छोटे बड़े साइज का भी है, छोटे साइज का भी है। कम से कम एक फ्रूट अभी हाफ केजी तक हो जाएगा, इसका मैच्योर टाइम अभी हुआ नहीं है, फिर भी इसका साइज जो है ना हाफ केजी से ज़्यादा, और छोटे छोटे भी है, 200 ग्राम 150 ग्राम ऐसे फ्रूट भी हैं। तो क्या है ना, आज हम जो सार के प्लॉट पे आए हैं, रंगोस्वामी सार के प्लॉट पे, इनके पास बहुत सारा ऐसा एक्सोटिक फ्रूट है जो आपको उपलब्ध हो जाएगा। पिंकलटन बोल के, ये क्या है सर? पिंकलटन क्या? एवोकाडो। ये एवोकाडो में और एक वैरायटी है। अच्छा, पिंक कलर आता है इसका? पिंक कलर है। पिंक कलर आता है वो मैच्योर होने के बाद में। ओके सर। ये पिंकलटन बोल के, ये थोड़ा साइज में बड़ा है। हाँ, ये कितना साइज आ जाएगा? कम से कम एक फ्रूट आधा केजी आ जाता है। एवोकाडो में सर आपके पास टोटल कितना वैरायटी है? 30 वैरायटी है। 30 वैरायटी है अभी अवेलेबल है? हाँ, अभी अवेलेबल। तो फ्रूटिंग में अभी दो वैरायटी आपने दिखाया, और भी है? हाँ, अभी है दो वैरायटी है। अच्छा। नहीं, अभी जो फ्रूट में हमने दिखाया दो वैरायटी, हाँ। और भी दूसरा फ्रूट में है कि ओनली दो ही वैरायटी में फ्रूटिंग है अभी? नहीं, दूसरा वैरायटी नहीं है। अच्छा, दो वैरायटी है। अच्छा, दो वैरायटी में अभी फ्रूटिंग में है। हाँ, ये क्या है सर? ये ऐश बोल के, ऐश। हाँ, एवोकाडो। एवोकाडो, ओके। ये लैम्बास बोलते हैं, उसका एक वैरायटी है। अच्छा, मतलब ये तीसरा वैरायटी हो गया एवोकाडो में। हाँ, टोटल कितना बताया सर? 30 वैरायटी है। 30 वैरायटी है आपके पास एवोकाडो में। हाँ, कुछ जैकफ्रूट भी दिख रहा है। जैकफ्रूट में कितना वैरायटी है? अभी हमारे पास 15 वैरायटी है। ओके सर। साथियों ये देखिए, ये एक एवोकाडो का वैरायटी है जो पिंकलटन इसका नाम है। कितना खूबसूरत इसका फ्रूटिंग होता है। ये भी आपको मिल जाएगा रंगोस्वामी सर के प्लॉट पे। हाँ देखो, हाँ इसका देखो ऐसा फ्रूट होता है। बंच ये तो अभी छोटा है, और साइज ये देखिए, बड़े साइज में ऐसा है। ये पिंकलटन का एवोकाडो वैरायटी। हाँ, साथियों ये देखिए, ये एक एवोकाडो है जो भूत 7 का वैरायटी है। साथियों ये देखिए, ये एवोकाडो है जो भूत 7 का वैरायटी है। ये रंगोस्वामी सार के प्लॉट पे है। इसका फ्रूट देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रूट आया है, और बड़े बड़े साइज है। ये नहीं कि ये सभी छोटे हैं। हाँ साथियों ये देखिए, ये एवोकाडो जो है भूत 7 का वैरायटी है। ये कितना खूबसूरत बड़े बड़े साइज का इसका फ्रूट हुआ है, और एक नहीं कई सारे ऐसे बड़े बड़े फ्रूट हैं जो कम से कम 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम एक एक फ्रूट हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको आगे भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दिखाना कुछ संभव नहीं हो पा रहा है, अंदर में है। बहुत ये है, बहुत खूबसूरत है देखने। हाँ, देखने में करेक्ट और बहुत अच्छा हील्डिंग आ रहा है। करेक्ट, इधर ये वैरायटी इंडिया में बहुत रिस्पांस हो रहा है साहब। करेक्ट, इसीलिए हम सभी जगह ये आप ग्रो सकते है। ये वैरायटी इसको आपने थोड़ा अंदर भी इसको प्लांटिंग किया है ताकि फ्रूट जो है इस वैरायटी को सेफ रहे, नहीं तो फिर कोई नष्ट कर देगा। ये प्लांट जो है ना सर, कितना साल हो जाएगा? तीन साल। इसका हाँ, खेती हम कैसे करेंगे एक्चुअली? हाँ, नहीं इसका नॉर्मल हम खेती करने वो नॉर्मल वो आम जाता डालते हैं ना सब, ऐसे ही खेती करना पड़ेगा। केयर नहीं है इसको। ओके। इसको खेती करने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं। ये भी हम जो 10-15 दिन रख सकते हैं इस फ्रूट को? हम आराम से रख सकते हैं। अच्छा, ये भी एक भूत 7 का? उधर देखो साइज। हाँ, हाँ सर, ये भूत 7 का वैरायटी है। दोस्तों देखिए, इसका फ्रूट कितना नीचे से आता है, ज़्यादा फ्रूट होता है, और कितना बड़े बड़े साइज का है। और ये तो कम से कम 500 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा ये फ्रूट, है ना सर? भूत 7 का वैरायटी। ये प्लांट कितना साल का हो जाएगा? ये पूरा 3 साल का है। इधर जो हमारा फार्म में जो है, हाँ सर, सभी 3 साल का है। 3 साल का है सर। हाँ सर, ये जो एवोकाडो है, ये एक वैरायटी है। ये कौन सा वैरायटी है सर? पिंकलटन। इसका भी फ्रूटिंग काफी अच्छा सुंदरता आया है, बहुत अच्छा है। एक फ्रूट कम से कम अभी
400-500 ग्राम हो जाएगा। अब मैं करूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ये एवोकाडो। ये एवोकाडो है। ये एवोकाडो है। इसका नाम है भूत सेवन बोल के। भूत सेवन बोल के ये एवोकाडो। ये नया वैरायटी है। हाँ। ये भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इधर। हाँ। वो बहुत अच्छा यील्डिंग आ रहा है। हाँ, आपका तो इसमें अच्छा उत्पादन आया है। हाँ। ये एवोकाडो। हाँ। साथियों ये देखिए। हाँ। एवोकाडो जो हमारे इंडिया में कर्नाटका में सामने प्लांटिंग की है, खेती कर रहे हैं, और इसका फ्रूट देखिए ऐसा होता है एवोकाडो। और ये भी बहुत महंगे में बिकने वाला फ्रूट है। ये बहुत अच्छा डिमांड है। ओके। समर में आए तो अच्छा रेट भी मिलता है इसको। देखो ये इतना बड़ा साइज। हाँ, साइज और ब्यूटीफुल है साइज। हाँ, और शेप भी अच्छा है। ये अलग तरीका का है। हाँ। और ये जो एवोकाडो है। हाँ। कम से कम हाफ के जी हो जाएगा। हाफ के जी। हाफ के जी तो आराम से। एक फ्रूट हाफ के जी आता है। ओके। ये हार्वेस्ट हो गया। हाँ सर। और भी फिर भी बचा है ना। अच्छा, अच्छा आपको अच्छा। मैं दिखा रहे हैं। हाँ, देखो कितना शेप है। बहुत अच्छा है। और देखो नेक्स्ट। हाँ, और दो महीने में ये यील्डिंग। ये एक ही प्लांट का फ्रूट है ना सर? एक ही प्लांट का है। ये बड़ा है, वो छोटा है। अच्छा, वो सेकंड टाइम यील्डिंग है। अच्छा अच्छा, ये सेकंड टाइम। सेकंड टाइम ये वाला अभी हार्वेस्ट हो गया। हाँ सर। ये अभी और एक महीने में दो महीने में आता है। अच्छा, ये रेडी है फ्रूट। ये रेडी है। रेडी अभी। और कितना दिन में कुछ इसका निकल जाएगा? अभी एक वीक में। वन वीक में इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। निकल सकते हैं। ओके। एक्चुअली एवोकाडो जो है सर, एक प्लांट साल में कितना टाइम प्रोडक्शन ले सकता है? टू टाइम ले सकता है। ये प्लांट जो है तीन साल का है। तीन साल का है। अच्छा। अभी हमको अप्रैल में आता है। ओके। अप्रैल में अप्रैल एंड में एक बार हार्वेस्ट हो गया है। अच्छा। फिर हमको आई थिंक जुलाई। अच्छा, जुलाई फर्स्ट वीक में ये सब आता है। अच्छा, वो सब आ जाए। ये सब आ जाते हैं। ये साल भर फ्रूटिंग रहता है कि इसका सीजन नहीं? टू टाइम्स आ रहा है। ये नया वैरायटी है इंडिया में, वो किधर भी नहीं लगा है। जी सर। इसका नाम है भूत सेवन। भूत सेवन वैरायटी है ये। इधर हमारा क्लाइमेट में अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। इसका वैरायटी भी ये प्रॉमिसिंग वैरायटी है। हाँ, मतलब साइज भी बड़ा है। हाँ सर। बहुत ये मिलता है। पल्प ज्यादा मिलता है। ओके। सीड छोटा है। ओके। और कीपिंग क्वालिटी ज्यादा है। करेक्ट। बहुत कीपिंग क्वालिटी है। आप 15 दिन तक ये रख सकते हैं। अच्छा, 15 दिन रख सकते हैं। yes. खराब नहीं होता है? खराब नहीं होता। भूत सेवन का वैरायटी। भूत सेवन एवोकाडो। हाँ, एवोकाडो। ये कितना साल? तीन साल का प्लांट है। तीन साल का प्लांट है। बहुत अच्छा है। तो ये अगर मान लीजिए कि इंडिया में कोई रिक्वेस्ट करे आपसे इसका वैरायटी देने के लिए, तो आप दे सकते हैं? दे सकते हैं, जरूर। नो प्रॉब्लम। आप सप्लाई कैसे करते हैं सर? वो आपको क्वांटिटी का हिसाब से देखेंगे। वो कैसे? नहीं, वो समझ गया। मतलब आके लेके जाना पड़ेगा या तो फिर? नहीं, आके लेके गए तो अच्छा है। अच्छा है, ट्रांसपोर्ट में थोड़ा अच्छा नहीं होता है। करेक्ट। साथियों ये देखिए, आपको जो पहले एक वीडियो दिखाया भूत सेवन वैरायटी का एवोकाडो, उसमें बड़ा बड़ा था। इसमें अभी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा है, कम से कम 100 फुट हो जाएगा। और बड़ा एक है, ऐसा नहीं है कि बड़ा इसमें नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी बड़ा है। एक फ्रूट है इसमें। ओ, है। जो बड़े हैं भूत सेवन वैरायटी का। मतलब क्या है ना सर, ये सीजन में एक्चुअली इसका फ्रूट होता है लगता है। ये अनसीजन में आया है। अच्छा, समर में आया था ना। ओके। फार्मर्स को बहुत अच्छा इनकम आता है सर। हाँ, जो सीजन में दूसरा फ्रूट नहीं मिलता है। हाँ, रेट ज्यादा मिलता है वो टाइम में, ये फ्रूट मिलेगा। हाँ, तो रेट मिलता है। हाँ, इसलिए। हाँ, रेट भी ज्यादा मिलता है। करेक्ट। एवोकाडो भी बहुत रेयर है सर। हाँ, बहुत रेयर है, क्योंकि हर किसी को ये फ्रूट मिलता नहीं है। हाँ। इसका एक्चुअली इतना, इसका क्वालिटी क्या है सर, किस लिए इतना रेट ज्यादा है? हाँ, बहुत ये सभी जगह सभी कार है ना ये। अच्छा, ये वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये। ओके। इसीलिए अभी वो सुबह नाश्ता से स्टार्ट होता है। अच्छा, खाने के लिए। अच्छा, वो बाहर, मगर इधर इंडिया में वो जूस अच्छा डिमांड है। जूस के लिए अच्छा डिमांड है। जूस के लिए। ये कुछ एवोकाडो का, कुछ एवोकाडो का और एक वैरायटी है सर। ये कुछ लंबा टाइप का दिख रहा है। वो 034 बोल के एक वैरायटी है इसका। 034। यस। एवोकाडो में आप कुछ बताया था 30 वैरायटी। 30 वैरायटी बताया था आपने। साथियों ये देखिए, एवोकाडो में सर के पास बहुत सारा वैरायटी है। एक और वैरायटी है, ये क्या नाम बताया सर आपने? 034। साथियों ये एक वैरायटी का एवोकाडो है। इसको बारिश की कारण की वजह से इसका प्लांट ऐसा दिख रहा है, बट इसका फ्रूट देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये कौन सा वैरायटी का है सर? नाम भूल गए। अच्छा। साथियों
ये देखिए एवोकाडो का फ्रूट है, ये इंडिया में बहुत मुश्किल है मिलना, इसकी खेती करना भी, बट अभी हम जिस प्लॉट पे, जिस फार्म पे आए हैं वो रंगस्वामी सर के प्लॉट पे, उनके पास ये अवेलेबल है। ये जो एवोकाडो है ये भूत 7 वैरायटी का एवोकाडो है, ये इंडिया में आपको किसी को चाहिए तो ये अवेलेबल है, रंगस्वामी सर के प्लॉट पे अवेलेबल है, इनके नर्सरी पे, इनके फार्म पे, और इसका फ्रूट ग्रोथिंग बहुत अच्छा आता है। ये आप देखिए छोटा साइज, बड़ा साइज, हर साइज का है, और मैं इस तरफ भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, उधर एक फ्रूट था, इधर भी एक, देखिए ये जो फ्रूट है ये देखिए, इतने कम से कम ये हाफ के जी के आसपास हो जाएगा इसका साइज, कितना खूबसूरत आया है। इसको 15 दिन तक आप रख सकते हैं और इसको ख़राब जल्दी नहीं होता है। ये रंगस्वामी सार है, इनको आपको एवोकाडो का वैरायटी चाहिए तो सार से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू।